हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे फ्रेंड्स आप सभी? होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे सुबह सुबह हम हैट लगाकर, गमछा लगाकर, और देखिए कितना सारा ब्रेकफास्ट ले जाकर चले हुए हैं। और सूर्य देवता जी भी हमारे प्रकट हो चुके हैं। जय हो प्रभु, जय सूर्य देवता भगवान जी। तो अभी सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ मम्मी और पापा जी के लिए ब्रेकफास्ट लेके। वो खेतों में हैं, मतलब आपको पता है कि आजकल फसल काटने का समय हुआ है। कणक जौ तारा मेरा, कणक तो हम बीजते नहीं वैसे ना, पर जौ और तारा मेरा है सिर्फ, है ना। सूखे हुए शाम को थोड़ा सा इकट्ठा किया था उसको, तो उसी को अभी कारवां लगाया है उसका। दुश 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 डंडे से धो धो के माँ उसको पीटते हैं थोड़ा सा, है ना। फिर उसमें से जो दाने होते हैं वो निकलते हैं। अभी देख दिखाता हूँ आपको। देखो तो ये देखिए, सुबह सुबह का कारवां यहाँ पर चला है। ये देख सकते हैं हम। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, मॉर्निंग पापा जी। ये देखिए, ये है तारा मेरा। इतना मैं शाम को करके गया था, बस आज इतने हुआ मम्मी। तो ये लीजिए आप लोगों का ब्रेकफास्ट। मम्मी जी मेरे को बोतलें मिली पानी की। तो ये देखिए, अभी तारा मेरे का फिलहाल एक पड़ाव हमने ख़त्म कर दिया है। और ये देखिए मेरे टीममेट्स लगे हैं साथ में। और फिलहाल हमारे पास फ़ोन निकालने का समय नहीं होता है। हम समय का पता पता है कैसे लगाते हैं? बस को देखकर। अभी बस आई है तभी मैंने फ़ोन निकाला कि यार इतना टाइम हो गया है यार। बहुत ही ख़तरनाक तरीके से चिपके होते हैं इनको ना, मतलब हर एक के ऊपर ये मतलब डंडे का लगना चाहिए। यार ये देखो, ये है इसमें अंदर असली तारा मेरा, है ना। मैं बताता हूँ आपको हमें समय का कैसे पता चलता है। तो ये है हमारे पास समय देखने के लिए, समय का आभास लगाने के लिए, क्योंकि बसें टाइम टू टाइम चली जाती हैं। और फिलहाल ये है हम अभी खेत में, और यहाँ पर लगाया है हमने छांव में कारवा। दे देख सकते अभी आप, खेत पूरे खाली। अभी अभी इस खेत से लाने को है, नीचे वाले खेत से लाने को है। अभी दो खेतों का निकाला हमने, उसी का है फिलहाल इतना सा। कणक तो हम वैसे भी बीजते नहीं है। ये है जौ, हमने कर दिया इतने से थे जौ। ये तारा मेरा ये है परे, है ना जी। और ये है हमारी हालत अभी। छांव भी बरकरार रहनी चाहिए और धूल भी नहीं जानी चाहिए, है ना। तो अभी हमारा एक पड़ाव ख़त्म हुआ है अभी, है ना। और दूसरा पड़ाव हम लेके आ चुके हैं फिलहाल। तो मतलब एक पड़ाव क्या, मतलब एक खेत के, फिर दूसरे खेत के, फिर एक ही मारे में ले आते ना हम बड़ी पाली में उठा के पिछकीूँ करके। तो अभी हमारे खिलाड़ी उठ चुके हैं, और देखो टांगों में कैसे कैसे करके बांधा हुआ इन्होंने। घुटनों में प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, तार बांधी हुई है। कर्मठ जुझारू। और ये ऐसा लगा, देखो हमने पाली में उठा के ये पूरा, पीछे से पापा जी ने पकड़ा, आगे से मैंने पकड़ा इसको। और ये है अभी एक खेत के, फिर हम इस वाले खेत के लिए आएंगे और फिर फिनिश। और चिड़िया देखो बढ़िया तरीके से, और जो नीचे गिरेगा उसको चिड़िया ले जाएगी उठा के, है ना भाई। बहुत सारा गिर रहा है वैसे तो हमारे से नीचे, चिड़िया एंड चिंटियाँ। चिंटियों ने तो बहुत सारे घर बनाए हुए हैं, जहाँ पर हमने ना पुलिया बांध कर रखी थी उसके नीचे चिंटियों ने घर बना दिया सबके नीचे। तो अभी ढेर पर ढेर लगते जा रहे हैं और हम थक चुके हैं। थोड़ा सा रह गया अभी, अभी पड़ाव दूसरा ही आया अभी। और अब थोड़ी थोड़ी हवा चल पड़ी है, हवा चलते ही मम्मी का काम एकदम से चेंज हो जाता है। तो जो जौ निकाले थे हमने, जैसी हवा चलती है तो ये देखिए इनको पुनने का काम चलता है। अभी थोड़ी थोड़ी हवा चली है, इसका पूरा कचरा हमारे ऊपर को आ रहा है। तो ये होता है जिस टाइम हवा चल पड़ती है, तो इसको पूरा मतलब जो कचरा होता है उसमें वो पूरा निकलना स्टार्ट हो जाता है। मतलब निकलता तो क्या है, साइड में रहता है, थोड़ा सा उठा के करना पड़ता है क्योंकि हाँ हमारे मशीन नहीं होती ना, हमारे ऐसे करते हैं। ये देखो अब ये चलेगा असली दाव। ये देखो हवा से देखो कचरा बिल्कुल अलग होता जा रहा है,
और जो जौ का दाना है वो थोड़ा सा भारी है, इस वजह से ये बिल्कुल साइड के लिए होता जा रहा है। देखो सेपरेट हो गया, पूरा सेपरेट हो गया। और जब हवा नहीं चलती है तो एक आर्टिफिशियल प्रोसेस होता था, वो भी बताएंगे कभी। अगर आर्टिफिशियल प्रोसेस करेंगे, हवा बनाते थे हम, खुद हवा बनाते थे हम। हाँ पहले हवा, आर्टिफिशियल हवा बनाते थे भाजी हम पहले, है ना। बरकवाड़ बोलते हैं, बरकवाड़ देते थे, बरकवाड़ खेस लेना। हाँ खेस लेना, फोल्ड करना, मतलब उसका एक फुट चौड़ा रहना चाहिए, लंबा तो बोला पूरा, फिर दो बंधन पकड़ना, फिर उससे हवा, आर्टिफिशियल हवा बनाते थे हम। बड़ा मज़ा आता था उसमें, पर थका तो जाता था बहुत ज़्यादा। पहले होते थे काम, अब तो कहाँ, अब तो मशीन ने आ गई थोड़ा सा भी, तो मशीनों से करते रहो करते रहो करते रहो एक्सरसाइज। फिर शाम को वहाँ घूमने जाना एक्सरसाइज करने के लिए, वो होते थे पहले, बिल्कुल एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरली एक्सरसाइज हो जाती थी, है ना। फिलहाल तो लगे हम अभी इस मिशन में, है ना। तो ये देखिए अभी नेक्स्ट पड़ाव के लिए पापा जी पहुँच चुके हैं। अगला पड़ाव हमने फिनिश कर दिया है, नेक्स्ट मतलब थोड़ा सा रह गया, अब आधे घंटे का काम रह गया, अब ज़्यादा नहीं है, बस फिर फिनिश। ये देखो छोटी छोटी पुलियाँ बांधी, और अभी तो हवा चली ना, हमने बहुत दूर दूर से लाई यार ये पुलियाँ उठा के। ये हमारा तारा मेरा बस, और कणक हम बीजते नहीं क्योंकि होती नहीं है, है ना। बाकी जौ भी थोड़े बहुत हुए, कुछ जौ हमने रहने दिए इधर, हाँ राड़ खा जाते। और ये देखो इनकी पोटी कितनी मोटी मोटी मंगने, कितने बड़े बड़े राड़ होने, तो आप सोच सकते हैं इनकी पोटी देख कर ही। और पाँव तो बचे नहीं, अभी बारिश होगी ना अभी। ये देखो पाँव कितने बड़े बड़े पाँव हैं, यहाँ पर निशान है नीचे, बहुत बड़े बड़े राड़ आते हैं खाने के लिए। फिर हमने कोई भी, हमने गार्ड वायर कोई सिक्योर नहीं है यहाँ पर, हमारे खेत जब चाहे जंगली पशु जानवर आ सकते हैं, यहाँ पर खुला न्योता रहता है हमारे पास, जो बच जाते वो फसल हम अपने लिए दे देते हैं, है ना भाजी। खुला न्योता रहता है हमारे लिए, हमारे खेतों में आओ जी ते खाओ जी, है ना। और बचा हुआ हम ले जाते हैं अपने लिए। आप सोच रहे हैं ऐसे क्यों बना हुआ है पूरा, जब उसको धुनाई करते हैं ना उसकी, फिर धूल ही धूल आती है, धूल ही धूल बहुत, और आंखें में भी मेरी धूल से बहुत ही बुरी हालत हो गई है धूल से, बट क्या करें, है ना। और धूप से बचने के लिए हैट, हैट के ऊपर से ये, ताकि पूरा ढका हुआ रहे, छतरी बन जाए पूरी तरह से चाइनीज़ की तरह। कर लूँगा मैं काम, अभी देखो पाली भर चुकी है, ऐसे ले जाएंगे हम दोनों उठा के इसको परे को। तो ये देखिए अभी एक पड़ाव ख़त्म हुआ है अभी हमारा, मतलब ऑलमोस्ट हमने जो बड़े बड़े ये पौधे थे इनमें से ये निकाल दिया हमने, है ना। और अब इसके बाद क्या प्रोसेस होना मम्मी, उसके बाद हांग में हांग ही जाएगी। मम्मी जी ने फाड़ दिया ये, तो अभी चलते हैं फिलहाल घर के लिए। तो इतना काम तो अभी फिनिश हो गया, बाकी अब अगला काम तो बुजुर्ग आदमियों का रहता है कि हाँ लगे रहो बस, बोरिंग 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 वर्क, बोरिंग वर्क, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।